हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SECL कंपनी के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे विगत 48 से 50 दिन यहाँ पे हमारे प्रशिक्षुओं को धरना देते हुए SECL के मुख्य द्वार पर हो गए हैं। दोस्तों, यह है हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक लेटर हमारे जो भी सभी एरियाज़ हैं या फिर जो केंद्रीय कर्मशाला हैं उनके लिए निकाला गया है। तो दोस्तों, हमारी जो 5 अगस्त की जो बैठक हुई थी DP सर और CMD सर के साथ में, जो भी हमारे 25 सदस्य थे जिनमें से 15 सदस्य की मीटिंग DP सर के साथ में और 10 सदस्यों की मीटिंग CMD सर के साथ में हुई थी। दोस्तों, यह सफलता की पहली सीढ़ी है और उन सभी छात्रों को जाती है जो 48 से 50 दिनों से विगत यहाँ पे अपने घर द्वार को छोड़ के SECL के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं और जो कि 5 अगस्त को जो भी उग्र धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन सभी सदस्यों को इस जो भी लेटर है उसका जो भी है। तो दोस्तों, ये जो लेटर है ये निकाला गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रति महाप्रबंधक इन सभी को यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि कोरबा, गेवरा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, रायगढ़, भटगांव, इन सभी एरियाज़ को यहाँ पे विश्रामपुर, बैकुंठपुर, चिरमुरी, हसदेव, सुहागपुर और जो भी हमारी केंद्रीय कर्मशाला हैं सभी के लिए लेटर निकाला गया है कि ITI शिक्षुओं को आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत बाह्य कंपनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने बाबत। यानी कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर जो भी काम कर रही हैं SECL के अंडर में, जो भी एरियाज़ हैं उनके अंडर में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उन सभी में जो भी ITI के प्रशिक्षु हैं जो कि SECL कंपनी में प्रशिक्षण लिए हुए हैं, उनको रोज़गार दिलाने के संबंध में यहां पर लिखा गया है कि अवगत कराना चाहेंगे कि SECL मुख्यालय बिलासपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ITI शिक्षुओं द्वारा किए जा रहे धरना कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 5/8/2022 को प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ NSUI एवं पूर्व ITI शिक्षु प्रतिनिधियों के साथ निर्देशक तकनीकी संचालन कार्मिक एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक SECL की हुई चर्चा के दौरान अन्य बातों के अलावा निम्न निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23/7/2022 एवं दिनांक 3/8/2022 को हुई चर्चा के परिपेक्ष में ITI शिक्षुओं द्वारा नामवार, ट्रेडवार, राज्यवार तथा स्थानवार सूची प्रबंधन को उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रबंधन द्वारा SECL में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत बाह्य कंपनियों को उक्त सूची उपलब्ध कराए जाते हुए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा। यानी कि जो भी बाह्य कंपनियाँ हैं उनको जो भी शिक्षुओं को रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु उनसे अनुरोध किया जाएगा एरिया के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उक्त संबंध में श्री रसी पटेल एवं अन्य ITI शिक्षुओं द्वारा अपने पत्र क्रमांक इतने इतने के दिनांक 8/8/2022 के माध्यम से SECL में अप्रेंटिसशिप प्राप्त किए हुए 1164 शिक्षुओं की सूची प्रस्तुत की गई है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जो भी 1164 शिक्षुओं की जो सूची है वो यहाँ पर प्रस्तुत श्री रसी पटेल जी द्वारा की गई है यहाँ पर, और जो भी हमारे साथी हैं उनके द्वारा, जिसमें शिक्षुओं का निम्न विवरण प्रदर्शित है जिसमें कि नाम, पदनाम, ट्रेड, पोस्टिंग का पता, पता, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उक्त बढ़ने सूची के अतिरिक्त आपकी जानकारी एवं सुलह संदर्भ के लिए इस कार्यालय के पत्र जो भी हैं उनको ये देख सकते हैं। जो भी मीटिंग हुई है पूर्व में उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। नेक्स्ट, उक्त विषय से आपको अवगत कराते हुए निर्देशानुसार, दोस्तों ये जो बात है निर्देशानुसार, ये बहुत वैसे हेल्पफुल हो सकता है कि इन्होंने निर्देश दिया है। अभी तक ये बोलते थे कि हम सलाह देंगे, लेकिन इस बार दिया निर्देश दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र इकाइयों में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत बाह्य कंपनियों को संलग्न सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए कृपया अनुरोध करें कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों सूची में उल्लेखित शिक्षुओं को यथाशीघ्र रोजगार उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि SECL ने लेटर लिखा है सभी इकाइयों को, सभी क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको, कि आपके अंतर्गत जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं उनमें इनको रोजगार दिलाने की कृपा करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भवदीय महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन SECL बिलासपुर के द्वारा यह जो लेटर है वो निकाला गया है। नेक्स्ट, इसकी जो प्रतिलिपि हैं इन सभी को यहाँ पर दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निर्देशक तकनीकी संचालन यानी कि जो भी यहाँ के ऑफिसर हैं और NSUI के प्रदेश महासचिव को और रसी पटेल जी को यहाँ पे जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है। इस लेटर के माध्यम से प्रतिलिपि भी भेजी गई है। तो दोस्तों, ये जो हमारी जीत है उन सभी प्रशिक्षुओं को जाती है जो उग्र आंदोलन और 48 दिनों से विगत बारिश पानी सभी को झेलते हुए
यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो भी जानकारी है वो आपको टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।